अब ये विषय है निश्चित रूप से, लेकिन एक जगह पर भीड़ ना हो ज्यादा, ये भी एक विषय है। दोनों बातें हैं। विचाराधीन है आज की विषय में, आपने जो कहे हैं सभा, रात्रि का लॉकडाउन, बाजार वाला, ये सारे विषय हैं और आज शाम तक कोई गृह विभाग इस बारे में निर्णय लेगा। सर मास्क को लेकर भी लव जिहाद को लेकर लक्ष्मण को बोल दूंगा मैं। सर छठ का महापर्व मनाया जा रहा है, भारतीय संस्कृति का बड़ा महत्व का पर्व है ये, और पूरे भारत में मनाया जाता है। कुछ लोग जब उसे एक प्रदेश से जोड़ते हैं तो पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे भोपाल में, मध्य प्रदेश में, देश के दिल्ली में, हर जगह पर ये पर्व मनता है और इसे पूरी भारतीय संस्कृति ने अंगीकार स्वीकार किया है। इस पर्व की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान सूर्य देश के अंदर से इस कोरोना को समाप्त करें, ऐसी प्रार्थना भी करता हूं। सर कोविड ने एक बार फिर से वापस पकड़ ली है और राजधानी भोपाल की बात करें 381 24 घंटे में, पर बाजार को लेकर कोई गाइडलाइन? निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, जिस तरह से कोविड ने पुनः पैर पसारे हैं, उसका जो बैक आया है, हमने इसके लिए सभी विकल्प अभी खुले रखे हैं। जैसा आपने बाजार का पूछा या अन्य विषय आपने पूछे हैं, सारे विकल्प खुले हुए हैं। आज मुख्यमंत्री जी भी लगभग 7 जिलों के कलेक्टरों से, 5 कमिश्नरों से बात करने वाले हैं 3 बजे, और उसके बाद में ये सारे विषयों का हम पालन कैसे सुनिश्चित करें उसके बारे में निर्णय लेंगे। लेकिन ये सच है कि हमको कोरोना की भयावहता को समझना चाहिए और जो सावधानियां बताई गई हैं, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा सावधानियां बताई गई हैं, हम उनका पालन सुनिश्चित करें। लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति निर्मित हो सकती है आज 3 बजे के बाद, उस पर संभवतया कोई भी निर्णय